ओके सो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बेसिक टोपोलॉजी लिया है। बेसिक टोपोलॉजी में जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने R1, R2 एंड R3 राउटर्स लिया है। ठीक है, सो R1, R2 एंड R3 राउटर के ऊपर मैंने जो राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज किया है वो है EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल। सो EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल जिसके अंदर मैंने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 का यूज किया है। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले में जितने भी लेक्चर देखे थे, लास्ट वाला जो लेक्चर दिखा था उसमें हम मैंने तो बता ही दिया था EIGRP का कॉन्फिगरेशन किस तरीके से करते हैं। ओके सो अभी यहाँ पे EIGRP का तो ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ओके हम लोगों ने राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में ऑथेंटिकेशन लगाया था, करेक्ट? उसके अंदर हम लोगों ने MD5 ऑथेंटिकेशन का यूज किया था। सेम एज EIGRP में भी हम लोग ऑथेंटिकेशन करने वाले हैं। काफी सिंपल कमांड है, सेम एज सेम नहीं एग्जैक्टली बोल सकते हम लोग, एग्जैक्ट जिस तरीके से हम लोगों ने रिप में किया था उसी तरीके से। जब भी हम लोग ऑथेंटिकेशन चलाते हैं तो सबसे पहले हमारा रूल रूल नंबर वन हमेशा याद रखना, हमें की चेन क्रिएट करना होता है। जब तक हम लोग की चेन क्रिएट नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर की को असाइन नहीं करेंगे और की को स्ट्रिंग नहीं करेंगे, मतलब स्ट्रिंग करना पड़ता है, की स्ट्रिंग। ओके जब तक अगर हम लोग की असाइन नहीं करेंगे तब तक हम लोग इंटरफेस के ऊपर ऑथेंटिकेशन का यूज नहीं कर सकते, करेक्ट? तो ये जो हमारे पास इंटरफेस है इन दोनों इंटरफेसेस के ऊपर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे और एक चीज अच्छी है जो कि मैं बताता हूँ। अगर मैंने इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन लगाया, इस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर ऑथेंटिकेशन लगाया, और जो मेरे पास सामने वाला जो इंटरफेस इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो इन दोनों राउटर के बीच में जो नेबरशिप है वो डाउन हो जाएंगे, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली देख भी लेंगे, ठीक है? तो हमेशा एक बात याद रखना, दोनों साइड में ऑथेंटिकेशन होना चाहिए अगर तुम्हें तुम्हारी नेबरशिप है कि नहीं देखने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चेक करूंगा शो आईपी राउट। शो आईपी राउट में सबसे पहले मैं चेक करूंगा मेरे पास सभी राउट्स आ गए, 1 का नेटवर्क, 2 का नेटवर्क, 10 खुद का, 20 एंड 30। ओके सेकंड थिंग, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ शो आईपी EIGRP नेबर। जैसे मैं नेबर करूंगा तो मुझे दिखेगा कि 1.1.1.2 इज माई नेबर। इफ आई चेक ऑन R2, सो आई कैन सी हियर शो आईपी EIGRP नेबर। सो आई कैन सी हियर दो नेबर यहाँ पे भी आ रहे हैं, करेक्ट? अगर मैं R3 राउटर के ऊपर चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक नेबर दिखेगा, शो आईपी EIGRP नेबर, ठीक है? मतलब जब नेबरशिप मुझे दिख रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा कॉन्फिगरेशन प्रॉपर है, ठीक है? सभी राउट्स आ रहे हैं, R3 के पास भी R1 के राउट्स आना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं राउट्स आ रहे हैं। ओके तो अगर मेरा यहाँ तक का कॉन्फिगरेशन बराबर है तो अभी हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं R1 के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन चलाने से पहले सबसे पहले मेरा जो रूल है मैं वो फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैं की चेन क्रिएट करूंगा, की चेन का नाम मैं दे देता हूँ CCNP। ओके कोई भी की हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे की है, मेक श्योर कि बोथ एंड पे सेम की होना चाहिए। मैं यहाँ पे key1 का यूज करता हूँ। उसके बाद की स्ट्रिंग दे देता हूँ स्मॉल सिस को, ठीक है? अभी क्या होता है कि मुझे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से मैं इसी तरीके से ये की स्ट्रिंग को कॉपी पेस्ट करता हूँ और R2 के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी किया मैंने वहां पे, R2 के ऊपर पेस्ट कर दिया, ठीक है? यहाँ पे मेरे चांसेस गलत होने के बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है? सो अभी तक तो मैंने की क्रिएशन किया है, अभी मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं जो इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ वो इस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगा। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ शो आईपी EIGRP नेबर। ओके इम्प्लीमेंटेशन के बाद किस तरीके से दिखेगा वो भी दिखा दूंगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S1/0, ठीक है? आईपी ऑथेंटिकेशन क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हम लोगों को पूछता है मोड, ठीक है? मोड के बाद मुझे पूछेगा प्रोटोकॉल जो हम लोगों ने चलाया, तो यहाँ पे डालूंगा मैं EIGRP। उसके बाद डालूंगा मैं EIGRP का जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हम लोगों ने यूज किया है वो। ओके उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालूंगा, ये मुझे पूछेगा कि कौन से फॉर्मेट में चाहिए। एक होता है प्लेन टेक्स्ट, एक होता है MD5, बट EIGRP ही कैन सपोर्ट द MD5 ऑथेंटिकेशन, ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए MD5 आ रहा है। लेकिन अगर मैं रिप की बात करता था तो हम लोगों को रिप का ऑथेंटिकेशन यहाँ पे डालना पड़ता था, IP रिप ऑथेंटिकेशन,
उसके बाद क्वेश्चन मार्क मोड, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे दिखता था MD5 एज वेल एज द टेक्स्ट, मतलब EIGRP दोनों का सपोर्ट करता है। बट अगर मैं सॉरी रिप दोनों का सपोर्ट करता है, अगर मैं EIGRP की बात करता हूँ तो EIGRP में मुझे MD5 दिखता है। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं प्रॉपर कमांड डालता हूँ, इंटरफेस S1/0 IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 100 MD5, ओके एंटर, ये मेरा हो गया फर्स्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे एक लॉग भी जनरेट हुआ है, लॉग के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, IP ऑथेंटिकेशन की चेन EIGRP 100, उसके बाद जैसे मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ ये क्या पूछता है कि तुम्हारा किचन का नाम क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो किचन का नाम रखा है वो है CCNP, तो CCNP कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, एंटर। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे एक लॉग जनरेट हुआ था, हम लोग ये लॉग को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या बोल रहा है, EIGRP ड्यूअल एल्गोरिथम उसके बारे में बताया उसने। ठीक है, सेकंड थिंग EIGRP प्रोटोकॉल के बारे में बताया, जो IP प्रोटोकॉल चला है वो है EIGRP, उसका ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर। इसने बोला कि जो तुम्हारा नेबर है 1.1.1.2 उसका इंटरफेस S1/0 इज डाउन, ऑथेंटिकेशन मोड चेंज। तुम्हारा ऑथेंटिकेशन मोड चेंज होने की वजह से तुम्हारा जो नेबर इंटरफेस है वो डाउन दिखा रहा है, शो IP EIGRP नेबर। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी मुझे नेबर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, अगर इसके पहले की कॉन्फिगरेशन चेक करता इसके पहले का तो मुझे यहाँ पे एक नेबर दिखाता था। ठीक है, लेकिन अभी के सिचुएशन में मुझे नेबरशिप नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटरफेस है जिसके ऊपर ऑथेंटिकेशन नहीं है, इस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर भी मुझे कॉन्फिगर करना पड़ेगा, तभी मेरा दोनों का नेबरशिप होगा। तो मैं R1 को क्या करता हूँ, R1 को साइड में रखता हूँ ताकि यहाँ पे कुछ लॉक्स जनरेट होंगे तो हम लोग देख सकते हैं। अभी मैं सेम एज R2 के ऊपर जाके करता हूँ। ठीक है, इंटरफेस S1/0 IP ऑथेंटिकेशन, ओके IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 100, क्योंकि इधर भी EIGRP 100 का ही यूज किया हम लोगों ने, उसके बाद MD5। सेकंड कमांड IP ऑथेंटिकेशन मोड IP ऑथेंटिकेशन की चेन EIGRP 100, उसके बाद पूछता है किचन का नेम जो कि हम लोगों ने डाला है CCNP। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मुझे कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, करेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं ये R2 राउटर के ऊपर भी कुछ लॉक्स जनरेट हो गए एज वेल एज R1 के ऊपर भी कुछ लॉक्स जनरेट हो गए। तो सबसे पहले हम लोग R1 के ऊपर के लॉक्स समझ लेते कि एग्जैक्टली क्या है। EIGRP इज अ ड्यूअल एल्गोरिथम, ठीक है, तो इसने यहाँ पे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया है, नेबर बताया, नेबर 1.1.1.2 जिसका इंटरफेस S1/0 इज अप। उसने बोला है कि अभी न्यू एडजेसेंसी फाउंड हुआ है, मतलब दोनों के बीच में नेबरशिप हुआ है। तो मैं ये सेम कमांड फिर से एक बार रन करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने रन किया तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1.1.1.2 के साथ अभी नेबरशिप हो गई है। तो ये तभी होता है जब ऑथेंटिकेशन हमारा प्रॉपर है, अगर मेरा ऑथेंटिकेशन या तो फिर किचन में मैंने मिसमैच कर दिया कॉन्फिगरेशन में तो ऑथेंटिकेशन नहीं दिखाएगा। ओके, सेम एज मैं कॉन्फिगर करता हूँ S1/1 के ऊपर और यहाँ पे भी S1/1 के ऊपर। ठीक है, तो R1 के ऊपर जा रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे ना मेरे पास बहुत सही फंडा है, जैसे कि हम लोग टाइम बचाने के लिए करते थे, जब मैंने CCA का प्रिपरेशन करता था तब हम लोग टाइम बचाने के लिए क्या करते थे, अभी हम लोग देख सकते कि दोनों साइड में सेम कमांड है, तो मैं इस कमांड को कॉपी कर देता था नोट पैड में। ठीक है, लेकिन कॉपी पेस्ट भी प्रॉपर तरीके से करते हो तो ही इम्प्लीमेंट होता है, अगर मेरा कॉपी पेस्ट में गलती होती है, लाइक जस्ट कंसिडर करो मैंने कॉपी यहीं तक किया CCN करके, तो मेरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपर। तो हमेशा याद रखना, अगर मैं कुछ भी कॉपी करता हूँ तो मेक श्योर एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट मत करो। ओके, यहाँ तक तो हो गया, अभी मुझे कॉन्फिगर करना है इंटरफेस S1/1 के ऊपर। ठीक है, तो मैं सेम कमांड को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैं पेस्ट करूंगा देख सकते हैं मेरी नेबरशिप डाउन होगी जो कि R3 के टूवर्ड्स है, करेक्ट, बिकॉज ये इंटरफेस R3 के ऊपर है। तो सेम एज मुझे R3 के ऊपर जाके कमांड चलाना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन चलाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज मैं बता सकता हूँ तुम्हें, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्फिगर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कमांड कॉपी कर दिया यहाँ से,
और R3 के ऊपर जाके उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद देखते हैं अभी भी हमारा नेबरशिप अप आया है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं चेक करता हूँ शो आईपी EIGRP नेबर। ठीक है, यहाँ पे एक ही नेबर दिखा रहा है, मतलब R2 का जो नेबर है वो बोलता है कि मेरा R1 का जो S1/0 इंटरफेस है वो मेरा नेबर है। बट इसके पहले मैं जब मैं R2 के ऊपर नेबरशिप चेक करता था तो R2 के ऊपर दो नेबर्स दिखाई देते थे मुझे, करेक्ट, ये देखो। लेकिन अभी ये वाला नेबर नहीं आ रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने उसके R3 के इंटरफेस S1/1 के ऊपर भी ऑथेंटिकेशन का कमांड चलाया हुआ है, लेकिन स्टिल मुझे नेबरशिप नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये नेबरशिप क्यों नहीं मिल रही है, क्या रीजन है इसके पीछे में नेबरशिप क्यों नहीं मिल रही है, यासिर बता सकते हो? यस। ओके, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने R1 एंड R2 के ऊपर एक की जनरेट किया था, याद है? हाँ, की चेन क्रिएट किया था जो कि R3 के ऊपर नहीं है, करेक्ट? R3 के ऊपर की बनाया नहीं मैंने। ओके, जिसकी वजह से हमें नेबरशिप नहीं मिल रही है। तो मैं क्या करता हूँ, R2 के ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ की कौन सा है। तो यहाँ पे है CCNP Q1 और Kisting Cisco, तो सेम मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आप टाइप करते हो तो बेटर है, अगर नहीं टाइप कर सकते तो प्रॉपर कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, देखो जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया तो इसने क्या बोला कि तुम्हारा एडजेसेंसी फाउंड हो गया। तो अभी R2 के ऊपर जाके मैं फिर से चेक करता हूँ शो IP EIGRP नेबर, पहले एक ही नेबर दिखाता था, अभी दिखेगा शो IP EIGRP नेबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नेबरशिप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इसमें कुछ डाउट? यस नो, बहुत ही सिंपल है। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी मैं कॉन्फिगरेशन करता हूँ सबसे पहले मुझे कीचेन क्रिएट करना है, तो कीचेन में कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने CCNP नेम दिया था। ठीक है, उसके बाद की कोई भी ले लो, लाइक 1 ले लो, 2 ले लो, 10 ले लो, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो 1 ले लिया है मैंने की, उसके बाद की स्ट्रिंग। की स्ट्रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्ट्रिंग मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा कॉन्फिगरेशन हो गया। ये कॉन्फिगरेशन तीनों राउटर के ऊपर सेम होगा, करेक्ट, कीचेन, Q1, Kisting Cisco, ये तीनों राउटर के ऊपर सेम होगा। उसके बाद अगर मुझे इंटरफेस लेवल के ऊपर कॉन्फिगरेशन करना है, तो इंटरफेस लेवल के ऊपर मैंने क्या कॉन्फिगरेशन किया, इंटरफेस S1/0 या तो फिर कोई भी अनदर इंटरफेस हो S1/1। ओके, सेम कमांड IP ऑथेंटिकेशन। ओके, उसके बाद मोड EIGRP 100 100 के बाद क्या आएगा, जो मोड है MD5 ऑथेंटिकेशन, ये फर्स्ट कमांड। सेकंड कमांड IP ऑथेंटिकेशन की चेन EIGRP 100 और जो हमारा कीचेन का नाम है CCNP। ठीक है, ये मेरा कमांड आएगा जितने भी कनेक्टेड इंटरफेस है उसके ऊपर। जैसे मैं कमांड पेस्ट कर दूंगा तो मुझे लॉग्स जनरेट होंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही होता है, काफी लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पूछते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछते हैं कि कभी EIGRP का नेबरशिप होता है तो आपने कभी लॉक्स चेक किए तो लॉक्स में क्या क्या दिखाता है। तो जब लॉक्स दिखाने की बात करते हैं तो हम लोगों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये जो लॉक्स दिख रहा है इसके बारे में पता होना चाहिए, समझना चाहिए। एक्चुअली ये पढ़ के आना चाहिए। किसी ने बोल दिया कि अच्छा यहाँ पे ये वाला लॉग जनरेट हो, मुझे बताओ ये लॉग एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो मैं लॉग्स तभी बता पाऊंगा, ये लॉग्स में तभी बता पाऊंगा जब मुझे लॉग्स एग्जैक्टली क्या है वो पता चलेगा। ठीक है, अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि ये EIGRP का 100 मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये मैं कंसिडर करूंगा कि उसको पता ही नहीं कि ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर क्या होता है। ठीक है, अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि ये नेबर क्या, नेबर चेंज वगैरह क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। जब तक हमें ये लॉग समझ में नहीं आएगा हम लोग रियल प्रोडक्शन में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं। ठीक है, नेबरशिप नहीं आ रही, दैट इज ओके। हम लोगों को इतना पता नहीं करना है कि खाली कमांड लाइन चलाने के बाद इस तरीके से कॉन्फिगरेशन होता है, हमें ये पता करना है कि हम लोग क्यों चला रहे हैं। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आगे हम लोग बढ़ नहीं सकते। तो इस वाले सेशन में कुछ दिक्कत है या आगे बढ़े हम लोग? आगे बढ़े। ओके,